वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 10.5 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि शो दैट दी फोर पॉइंट, चार पॉइंट उनके अपने अपने पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है ना। और क्या शो करने, कोप्लेनर, सही है। तो इस कोप्लेनर वर्ड के मतलब बेसिक कंसेप्ट इसका हम 10.5 के सेकेंड न्यूमेरिकल में सीख चुके हैं, ठीक है ना। वहां से सीख सकते हो आप, ठीक है ना। वहां पर बता चुके हैं, डिस्कस हो चुकी है बात, ठीक है ना। और कोप्लेनर के लिए क्या बताया था डायरेक्ट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो दिखा दो, सही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो शो कर दो तो वो कोप्लेनर है, सही बात है। लेकिन अब एक ज्योमेट्री देख लो यहां पर किस तरीके से, कोई चार पॉइंट है, ठीक है ना, किस पर, प्लेन पर, कोप्लेनर शो करने। कोप्लेनर का मतलब क्या है, को वर्ड का मतलब होता है सेम मैथ्स के हिसाब से, और प्लेन का मतलब इस तरीके से, तो सेम प्लेन पर, सही है। तो चार पॉइंट है, रैंडमली सोच लो चार पॉइंट इस तरीके से, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इनके कुछ पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, इस तरीके से, मतलब ओरिजिन से, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब 4i प्लस 8j प्लस 12k, सही, मतलब a पॉइंट निकालना हो, लेट कर लो इस वेक्टर से a पॉइंट बना, ये बात लेट कर लो। किसी वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका क्या बताया था कि i कैप j कैप के कोफिशियंट 4, 8, 12, इस तरीके से, सही है। उसके बाद अब एक बात बताओ, हमें तो किससे मतलब है कि ये तीन वेक्टर प्लेन के होने चाहिए। मतलब अब जो चीज पोजीशन वेक्टर गिवन ओरिजिन से, हमें ये थोड़ी पता कि ये जो ओरिजिन है इसी प्लेन पर है, सही है। तो जो ये वेक्टर चैप्टर है, इस तरीके की बात नहीं आती वेक्टर चैप्टर में कि ओरिजिन प्लेन पर है कि नहीं। अगर होता तो ये काम की होती, सीधी सी बात है, सही है। लेकिन अब डायरेक्ट थोड़ी ना कह सकते हो कि ये मतलब ओरिजिन प्लेन पर होगा, समझने के हिसाब से ये कोई सरफेस है, प्लेन है, सही है। यहां पर ओरिजिन है और इनके अपने अपने पोजीशन वेक्टर दिए हुए, समझने के हिसाब से यहां पर मान लो मतलब प्लेन से दूर, सही है। कोई भी ओरिजिन कहीं पर भी, ओरिजिन तो एक ही जगह होगा, मतलब इस तरीके का, सही है, 0,0,0 3D का, क्योंकि 3D के पॉइंट दिए हुए इस वजह से, सही है। तो इस बात का ये मतलब O से A उस चीज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सही है। इसी तरीके से O से B का दिया हुआ है, समझने के हिसाब से इस तरीके से चार के दिए हुए, सही है। तो ये हमारे कोई काम के है नहीं क्योंकि इनके वेक्टर प्लेन पर नहीं है, सही है। अगर ओरिजिन होता तो कह सकते थे, लेकिन ये बात चेक करनी पड़ती है, ये बात आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन से, ठीक है ना। और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट, तो वहां से आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस तरीके की बात चली नहीं रही तो क्यों जाना उस पर, ओरिजिन वाली कंडीशन पर, सही है। तो मतलब हमें क्या करना है, रैंडमली तीन वेक्टर प्लेन के होने चाहिए, यहां पर ये बात लिख लो, तीन वेक्टर प्लेन के होने चाहिए, सही है। तो चॉइस है, और चार पॉइंटों से तीन बना नहीं सकते। एक तो हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं कि मतलब कोप्लेनर कब, जब एक तो ए से बी निकाल दो, एक ए से सी, एक ए से डी, मतलब इस चीज का एक तो ए से बी एक वेक्टर बन गया। वेक्टर का मतलब है क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब दो पॉइंट चाहिए, सही है। किसी दो पॉइंट तो मिला तो फिर एक ए से सी, फिर एक ए से डी, इस तरीके से उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो शो कर दो। यहां पर ये कोई कंडीशन नहीं होती कि मतलब यही पैटर्न, जो भी पैटर्न सही लगे, कहने का ये मतलब तीन वेक्टर प्लेन के होने चाहिए, जो भी तरीका सही लगे, मतलब एक ये ए से बी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, चॉइस होती है। हाँ, इस तरीके से यूज करने की चारों के चारों पॉइंट आ जाए, जैसे ए बी सी और डी, चारों पॉइंट आ जाए, इस तरीके का पैटर्न लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मतलब चार, जो भी तीन वेक्टर जिस भी तरीके से बनाना चाहो, सीधी सी बात है। और उसके बाद ना ये डायरेक्शन की बात करना कि मतलब एक तो ए बी वेक्टर लिखा, और क्या हम बी ए वेक्टर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, हमें वेक्टर से मतलब उसकी डायरेक्शन से मतलब है नहीं। अब जैसे ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में किस चीज का डिफरेंस आएगा, माइनस साइन का, किसी एक साइड माइनस, सही है। और वो माइनस इस बात में चला जाएगा, जीरो इंटू समथिंग, मतलब माइनस का मतलब माइनस वन इंटू, सही है, और जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से उस केस, उस जीरो में एडजस्ट हो जाएंगी, ये डायरेक्शन वाली बात, सही है। तो पता होना चाहिए बेसिक बातें, ठीक है ना। तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, कि शो करना हमने चार पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। तो हमें शो करना क्या है, टू शो लिख लो, ठीक है ना, कि लेट कर लेना फिर किससे पॉइंट बना, इससे बी सी डी, सही है, इस तरीके से, ठीक है। हम डायरेक्ट इस ज्योमेट्री के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। तो टू शो ये चीज लिख लो, कोई भी तीन वेक्टर प्लेन के होने चाहिए, मेन बात है ये, इस तरीके से, ठीक है ना, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, इस तरीके से, सही है।
ठीक है, तो बस क्या करो, एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो बस, ठीक है ना, तीन वेक्टर। तो सबसे पहले आप चॉइसेस के लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या बताया था डायरेक्ट, कि इस तरीके से, मतलब डिटरमिनेंट 16 होगा, और किस तरीके से लिखना, जो पहला वेक्टर है हम नॉर्मली रो वाइज लिखते हैं, लेकिन उसके क्या सिर्फ कोफिशियंट, सही है। तो अब चॉइस है ए बी वेक्टर निकालना चाहो, फिर उसके कोफिशियंट पुट करो चॉइस है, सही है। तो ये ए मान लिया, ये बी के हिसाब से मान लिया, सही है। तो ए बी वेक्टर का मतलब चॉइस होती है, मतलब ए बी वेक्टर का वैसे मतलब देखा जाए तो ये है कि ए से चले बी तक, तो मतलब बी में से जहां पर पहुंचे माइनस कर दो जहां से चले, अब वेक्टर इस तरीके से बनेगा, सही है। दो वेक्टरों का डिफरेंस एक वेक्टर आएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, वो चॉइस अब लिखना चाहो पहले, मतलब ए बी वेक्टर डिफाइन करना चाहो, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से कि ए बी वेक्टर आया, बी में से ए को माइनस करना है, सही बात है। तो टू आई कैप माइनस फोर आई कैप, सही है, ये माइनस साइन फॉर्मूले वाला है। तो 2i माइनस 4i कितना बचेगा, माइनस का 2i, कैलकुलेशन टोटली सही है। फिर प्लस का 4j माइनस का 8j कितना बचेगा, माइनस का 4j। फिर इसी तरीके से k कैप वाले आपस में माइनस होंगे, तो 6k कैप माइनस का 12k कैप, तो माइनस का 6k कैप बचेगा इस तरीके से, सही है। और हमने जब डिटरमिनेंट सोल्व करना तो उनके कोफिशियंट लिखना, जैसे पहला वेक्टर ये आया, सही है, कोफिशियंट लिख दो माइनस टू, फिर जे कैप के, फिर के कैप के। अब चॉइस है पहले इस तरीके से सारे निकालना चाहो, ए बी ए सी ए सी ए डी, सही है, और उसके बाद कोफिशियंट लिखो। अब डायरेक्ट लिख लें, एक के निकाल ले इस तरीके, दूसरे के डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब अब ए सी, तो ए सी का मतलब क्या हुआ, ए से चले सी तक, तो मतलब सी में से माइनस करना ए को, सी ये रहा सी के हिसाब से, और इसको माइनस करना अपने अपनी एक्सिस पर, मतलब थ्री आई कैप माइनस का फोर आई कैप कितना बचेगा, माइनस का आई कैप, हमें तो चाहिए कोफिशियंट, लिख दो माइनस वन। फिर जे कैप वाले आपस में माइनस होंगे, फाइव जे माइनस का एट जे कितना बचेगा, माइनस का थ्री जे, कोफिशियंटो से मतलब है। फिर के कैप, फोर के कैप माइनस का एट कैप, माइनस का ट्वेल्व के कैप कितना बचेगा, माइनस का एट के कैप, हमें कोफिशियंट लिखने, सही है। इसके बाद अब लास्ट है डी, ठीक है ना, तो इस मतलब डी में से माइनस कर दो ए को अपनी अपनी एक्सिस पर, 5i माइनस का 4i कितना बचा, प्लस का i, कोफिशियंट से मतलब है। फिर प्लस का 8j माइनस का 8j कितना बचा, 0j कैप, 0, तो 0 लिखनी पड़ेगी, सही है। फिर 5k कैप माइनस का 12, तो माइनस का 7, टोटली कैलकुलेशन, सही है। अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया काम चल जाएगा, यही चीज शो करनी है हमें, 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि शो करनी है। अगर चेक करना होता फिर कहती है बात की, मतलब काम चल जाएगा 0 का, ठीक है ना। तो एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, चॉइस होती है, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। अब की बार डायरेक्ट कर लेते एक्सपेंड अलोंग, चलो R3, क्यों, क्योंकि एक 0 दिख रही है, इस वजह से जितने मतलब मैक्सिमम 0 होंगी उसी से एक्सपेंड कर लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब R3 के जो एलिमेंट है एज इट इज लिखो, उनके मल्टीपल में कुछ आएगा। अब 0 × something लिखा ना लिखा बात बराबर, इस वजह से 0 वाले इसे एक्सपेंड करते हैं। अब ये 0 इसमें भी आ रहा है, मतलब कॉलम 2 में, सही है, वहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वो चॉइस है, ठीक है। तो अब 1 × में क्या हो जाएगा, इसकी रो और इसके कॉलम भूल जो, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखेंगे, -4 × -8 प्लस का 32, सही है। इनके आपस में मल्टीप्लाई, -3 × -6 प्लस का 18, यहां पर प्लस का 32, यहां पर प्लस का 18, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओगे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला है डिटरमिनेंट का, इस वजह से, ठीक है ना। तो 32 - 18 कितना बचेगा, 14, कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद 0 × something लिखा ना लिखा बात बराबर, -7 × में क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम भूल जो, इनके आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, प्लस का 6, इनके आपस में मल्टीप्लाई प्लस का 4, लेकिन एक माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे तो 6 - 4 = 2, टोटली कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेट। लेकिन इससे पहले अल्टरनेट साइन वाली बात याद रखनी है, अल्टरनेट साइन वाली बात याद रखनी है, सही। मतलब अब की बार आर्थिक का मतलब प्लस माइनस प्लस, और यहां पर प्लस माइनस माइनस रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। 14 × 1 0 × ये चीज लिखी ना लिखी बात बराबर, -7 × 2 माइनस का 14, सही है, देख लो 0 14 - 14 0 होता है, इस तरीके से टोटली कैलकुलेशन, सही है। तो यहां पर ये कोई तीन वेक्टर इस तरीके से लेने हैं कि प्लेन पर बने, सही है, प्लेन क्यों होने चाहिए, सीधी सी बात, प्लेन पर लाई करें, सीधी सी बात तो ये है, कोई भी पैटर्न ले सकते हो, ठीक है ना। चॉइस है यहां पर, ये कोई जरूरी नहीं होता, नॉर्मली हम इस तरीके से लेते हैं कि किसी एक पॉइंट से चले बाकी तीन तक, ये कह दो ए से चले एक बार बी तक, एक बार सी तक, एक बार डी तक, वो लिखा हुआ है, वो चॉइस है।
जो भी मतलब तीन पैटर्न इस तरीके से लेने हैं कि चारों पॉइंट यूज हो जाए, ठीक है ना, चारों पॉइंट यूज हो जाए, मतलब ए बी सी डी कहीं ना कहीं तो जरूर आए, इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।